दिल्ली में देश का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर बनकर तैयार है। कल से इसमें डायलिसिस का काम शुरू हो जाएगा। यह डायलिसिस सेंटर समाज के प्रति दायित्व को निभाने की एक मिसाल है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। डायलिसिस कराने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। इलाज, दवा और देखभाल के साथ साथ खाना पीना भी फ्री। यानी सच्चे अर्थों में इंसानियत की सेवा की जगह यहां पर है। इसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बनाया है। असल में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली के गुरु हरकिशन हॉस्पिटल में एक नया डायलिसिस सेंटर बनाया है। इसमें 101 बेड है, यानी एक वक्त में एक साथ 101 मरीजों का डायलिसिस हो सकता है। एक बार अगर मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाए तो फिर उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां सब कुछ मुफ्त है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी जाति का हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। न किसी से आई कार्ड मांगा जाएगा, न किसी से कोई पैसा मांगा जाएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो उसे इलाज मिलेगा, दवा मिलेगी। इसीलिए सेंटर में फीस के लिए कोई काउंटर तक नहीं बनाया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का दावा है कि अगले एक साल में इस सेंटर में बेड्स की संख्या 101 से बढ़ाकर 1000 हो जाएगी और उसके बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर बन जाएगा। एसजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिंसा ने आज बताया कि इस डायलिसिस सेंटर में 24 घंटे में 500 से ज्यादा मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा और यह सातों दिन 24 घंटे काम करेगा। ये 101 बेड का ये हॉस्पिटल है और आप ये देखेंगे कि ये